चले जय माता दी बाबू लोग, वेरी वेरी इवनिंग बाबू, कैसे हैं आप लोग? सब लोग मजे में हैं। न चाहते हुए भी मन किया कि ना, हमने घोषणा कर दिया था कि संभव नहीं है, फिर कहा कि नहीं, एक आत्मा में संतुष्टि नहीं हुआ कि लाइव नहीं देखेंगे तो क्या होगा, आवाज तो कम से कम सुनेंगे, और आवाज सुनेंगे एक भक्ति का माहौल बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लोग, करीब 1000 लोग देख रहे थे लाइव आरती, तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग माता रानी की जय जयकार कर रहे थे। धन्यवाद बाबू। चलो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जी जी, जय माता दी बाबू। गोलू वैशाली, दिव्यांशु, दीपू, पूनम, मुकुल, सब लोग बहुत अच्छा। स्टार्ट किया जाए, आज हम लोग मौर्योत्तर काल की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मौर्योत्तर काल की चर्चा करें। मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसकी चर्चा करेंगे, जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें आईएसपीके, ध्यान से सुनिएगा, इस फिगर को यदि समझ जाइएगा तो इस फिगर से ही हम लोग का क्वेश्चन निकल जाएगा। इस फिगर को समझिए, इस फिगर को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन पूछेगा कि कुषाण किस शाखा के था, तो यूची कबीला था। यूची कबीला का शाखा था, या यूची कबीला कुषाण आया, ध्यान सुनिएगा, यूची कबीला से कुषाण आया। क्वेश्चन पूछेगा पर्थियन बैक्टीरिया से आया। अब देखो, मंगोल आक्रमण भी यहां से चलेंगे, एक शाखा ऐसी आया, यह शाखा घूम करके इधर भी गया, और मंगोल आक्रमण, हून आक्रमण, सब दोनों एक नंबर पे हुआ। शक, ये सब क्या है बाबू? शक या सीथियन यहां से आया। उसके बाद देखो, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण ऐसे हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। इस फिगर में टोटल का टोटल विदेशी आक्रमण है। सिकंदर का आक्रमण कैसे होता है, तो सिकंदर का आक्रमण भी बता रहा है। यूनानी आक्रमण, सेल्यूकस का आक्रमण भी बता रहा है कि कैसे कैसे सिकंदर भी भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया, कैसे कैसे यूनानी आक्रमण भारतीय क्षेत्र पर हुआ, कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फ्रांसीसी कंपनी आया, वास्को डी गामा कैसे कैसे आया था। तो यह मैप विदेशी आक्रमण को इंडिकेट करता है, विदेशी आक्रमण को इंडिकेट कराता है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन इसमें पूछे कि विदेशी आक्रमण में पहला चीज बनता है क्या चीज बाबू? इंडो ग्रीक शासक, दूसरा शक या सीथियन, तीसरा पहलव या पार्थियन, चौथा कुषाण। तो क्वेश्चन पूछेगा जिस तरह से हम लोग चर्चा किए थे कि मगध के क्षेत्र में राजवंश का क्रम बताए थे, याद करेंगे, मगध के क्षेत्र में राजवंश का क्रम बताए थे, तो वहां पर बताए थे क्या चीज? हसीन, मशुक, शाह, याद आया। उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण का क्रम क्या था, तो क्या कहेंगे बाबू? आईएसपीके। जिस तरह से हम लोग दिल्ली सल्तनत में
वंश का क्रम लेते हैं, दिल्ली सल्तनत में वंश का क्रम लेते हैं, तो क्या कहते हैं, गुलाब खिला तो सूंघ लो, क्या कहते हैं, गुलाब खिला तो सूंघ लो, बस इसी से क्वेश्चन निकलता है। हमने क्या कहा, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में जो 1206 से लेकर 1526 तक का काल था, तो क्या कहते हैं, पहला क्या था, गुलाम वंश जिसे दास वंश कहते हैं, दूसरा क्या था, खिलजी वंश, ध्यान से सुनिएगा, खिलजी वंश, तीसरा क्या था, तुगलक वंश, तुगलक वंश, चौथा क्या था बाबू, चौथा था सैयद वंश, चौथा सैयद वंश, और पांचवा था लोदी वंश। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, गुलाब खिला तो सूंघ लो, गुलाब खिला तो सूंघ लो। अब इसमें पूछता है कि लोदी वंश किस किस के बीच में रहा, लोदी वंश से पहले कौन सा भी वंश था, तुगलक वंश किस किस के बीच में रहा, खिलजी वंश किस किस के बीच में रहा, सैयद वंश किस किस के बीच में रहा। उसी तरह से इसमें मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण का क्रम पूछेगा, पहले इंडो ग्रीक, तब शक, तब पहलव, तब कुषाण, इंडो ग्रीक, शक या सीथियन, पहलव या पार्थियन, और कैसे कुषाण। इतना क्लियर हो गया। अब एक एक की चर्चा करते हैं। इंडो ग्रीक शासक को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, इंडो ग्रीक शासक को हिंद यूनानी शासक या हिंद यवन शासक कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी आक्रमणकारी कौन था, इंडो ग्रीक शासक, जो बैक्ट्रियाई यूनानी या इंडो यूनानी, हिंद यूनानी भी कहा जाता है, बैक्ट्रियाई यूनानी या इंडो यूनानी भी कहा जाता है। अब देखो मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश था इंडो ग्रीक, यदि वंश पूछ दे तो इंडो ग्रीक हिंद यवन, आ इसका प्रथम शासक कौन था बाबू, डेमेट्रियस। कल हम लोग बताए थे पुष्मित सुंग के काल में डेमेट्रियस, पुष्मित सुंग के काल में मीनांडर, दोनों मीनांडर को क्या कहते हैं, मिलिंद या मीनांडर, भारतीय भाषा में मिलिंद, नागसेन की रचना था मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो में नागसेन और मीनांडर के बीच जो वार्तालाप हुआ था उसकी चर्चा, दोनों ही आक्रमण में पुष्मित सुंग ने जीत दर्ज किया था, जिसका उल्लेख धन देव का अयोध्या अभिलेख था, जिसमें यह जानकारी दिया गया था कि दोनों आक्रमण में पुष्मित सुंग ने जीत दर्ज किया और अयोध्या में दो दो अश्वमेघ यज्ञ करवाया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 185 ईस्वी पूर्व में, ध्यान सुनिएगा, 185 ईस्वी पूर्व में, 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना किया, मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना किया। दो साल के पश्चात 183 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब और सिंध प्रांत को जीत लिया और अपने जीते गए राजधानी किसे बनाया, शाकल, जो आधुनिक सियालकोट का क्षेत्र है, पंजाब का सियालकोट का क्षेत्र है। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, डेमेट्रियस पहला भारत, पहला विदेशी शासक था, हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसका, डेमेट्रियस पहला विदेशी शासक था जिसने भारत में लेख युक्त एवं चित्र युक्त सिक्का जारी किया, जो सोना का सिक्का होता था जिसे ड्रम कहा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में पहली स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया, डेमेट्रियस के द्वारा, इंडो ग्रीक शासक के द्वारा। इससे पहले भारत में आहत सिक्का का प्रचलन था, आहत सिक्का लेख विहीन सिक्का कहेंगे या चित्र विहीन सिक्का कहेंगे, जो महाजनपद काल से प्रारंभ हुआ मौर्य काल तक चलता रहा, जिसमें 99% क्या था चांदी था, 1% क्या था तांबा था, हालांकि मौर्य काल में मासक और काकनी जो तांबा का सिक्का था चलता रहा। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, ईरानी इंडो ग्रीक अलग अलग है बउआ, इंडो ग्रीक ईरानी को करते हैं पर्थियन, पर्शियन कहते हैं, देख भैया ईरान को कहेंगे पर्शिया, वो अलग है, इंडो ग्रीक मतलब हिंद यूनानी, बैक्ट्रियन यहां पर लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा, बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया, बैक्ट्रिया से आया था, यूनान का क्षेत्र बैक्ट्रिया से आया और भारत में आक्रमण करके तक्षशिला या
भारत का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को जीतकर किसको राजधानी बनाया? शाकल को राजधानी बनाया। अब क्वेश्चन पूछेगा, डेमेट्रियस ने अपने सिक्के पर जिस लिपि का प्रयोग किया उसे अखरोष्ठी लिपि था। हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि अशोक के अभिलेख में भी चार लिपि था, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। भारतीय क्षेत्र में ब्राह्मी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या था, पाकिस्तान में क्या था, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक का प्रयोग किया गया था काबुल के शाह एक कुना अभिलेख में, जिसे द्विभाषिक अभिलेख कहा गया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, हिंद यवन शासक के द्वारा भारत में पहली बार सोना का सिक्का जारी किया, और सोना का सिक्का किसने जारी किया? डेमेट्रियस के द्वारा जारी किया गया। पहला चित्र युक्त सिक्का किसके द्वारा? डेमेट्रियस के द्वारा। पहला लेख युक्त सिक्का किसके द्वारा? डेमेट्रियस के द्वारा, जिसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। इस सोने के सिक्के को ड्रम कहा गया। डेमेट्रियस बाबू ध्यान सुनिए, डेमेट्रियस को किसने पराजित किया था? पुष्मित सुंग ने पराजित कर दिया था, 183 ईसवी पूर्व में आक्रमण किया, लेकिन और आगे बढ़ा तो पुष्मित सुंग के हाथों पराजित होना पड़ा। दूसरा आक्रमणकारी कौन आया था बाबू? तो मीनांडर आया था। हम लोग चर्चा कर लिए है, मीनांडर भी पुष्मित सुंग के द्वारा पराजित हुआ, किंतु मीनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन से, बौद्ध भिक्षुक नागसेन से प्रेरणा लेकर बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसकी जानकारी मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में मिलता है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, हमने कल के क्लास में बताया था कि सुंग वंश के शासक, नौवें शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत आया था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का मध्य प्रदेश के विदिशा से गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है, जिससे जानकारी मिलता है कि हेलियोडोरस भारतीय भागवत धर्म से प्रेरित होकर भागवत धर्म को अपना लिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय भागवत धर्म को अपनाने वाला पहला विदेशी कौन था? तो हेलियोडोरस था। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला विदेशी कौन था? तो मीनांडर था, जो इंडो ग्रीक शासक, हिंद यवन शासक था। क्लियर हो गया। अब इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो नागसेन की रचना मिलिंद पन्हो। अब देखो मिलिंद पन्हो क्या है भाई? एक प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया किताब है, वार्तालाप शैली, प्रश्नोत्तर शैली। मिलिंद ने क्वेश्चन पूछा, नागसेन ने जवाब दिया। मिलिंद ने क्वेश्चन पूछा, नागसेन ने जवाब दिया। तो क्या कहते हैं, वार्तालाप शैली या प्रश्नोत्तर शैली में पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध साहित्य। हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग के क्वेश्चन पता है कि महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। साम अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा हुआ है। मिलिंद पन्हो भी किस भाषा में बाबू? पाली बौद्ध ग्रंथ है, जो प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। यह संत नागसेन, जिसे नागार्जुन और मिलिंद के बीच हुए बातचीत है। मिलिंद से बौद्ध धर्म के बारे में प्रश्न, मिलिंद प्रश्न करता है और नागसेन उसका उत्तर देता। हमने क्या कहा, मिलिंद प्रश्न किया और नागसेन उसका उत्तर दिया। जैसे आपने, आप हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं और हम उसका उत्तर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इंडो ग्रीक क्लियर कर दीजिएगा, ईरान क्या बार बोले रे भैया, ईरान मतलब पर्सिया पहला आया था, आ इंडो ग्रीक मतलब बैक्ट्रिया का ग्रीक था, बैक्ट्रिया का यूनानी था। अब देखो मिलिंद पन्हो से क्या मिलता है कि मिलिंद द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी मिलता है, मिलिंद द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी मिलता है। अब देखो बाबू क्वेश्चन पूछेगा, मीनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भरोच से मिला है। भरोच क्या था? एक पश्चिमी समुद्र तट का बंदरगाह था। भरोच कहां, बंदरगाह कहां का? गुजरात का। अब देखो बाबू ध्यान से सुनना, मीनांडर के काल में मूर्ति निर्माण का क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। और क्वेश्चन पूछता है, इंडो ग्रीक शासक ने मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में जिस शैली का विकास किया उसे गंधार शैली कहा गया। उसे गंधार शैली को क्या कहते हैं, मिश्रित शैली या इंडो ग्रीक शैली? ध्यान सुनिएगा, मूर्ति निर्माण का गंधार शैली का विकास इंडो ग्रीक शासक कहेंगे या हिंद यवन शासक के काल में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा, नागसेन किसके दरबार में थे बाबू? तो नागसेन जाहिर सी बात है याद रखेंगे, नागसेन किसके दरबार में? तो पुष्मित सुंग के दरबार में। नागसेन किसके दरबार में? पुष्मित सुंग के दरबार में। और बाबू ध्यान से सुनिएगा, अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन पूछेगा इंडो ग्रीक शासक से हम लोगों को क्या लाभ हुआ? उस सब तो आक्रमण किया,
लेकिन हम लोग को लाभ क्या हुआ, इंडो ग्रीक शासक से हम लोग को लाभ क्या हुआ, तो बहुत क्वेश्चन पूछा। इससे पहले हमने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले हमने ईरानी आक्रमण बताए थे 516 ईस्वी पूर्व में, ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसे दायबाहु प्रथम या दारा प्रथम कहा गया, भारतीयों को साम्राज्य का प्रांतों में वर्गीकरण, साम्राज्य का प्रांत में वर्गीकरण किसका देन है, ईरानियों का देन है, पर्शियन का देन है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा, इंडो ग्रीक शासक से हम लोगों को क्या लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। पहला लाभ हुआ, भारत में सोना का सिक्का जारी किया, चित्रयुक्त सिक्का जारी किया, लेखयुक्त सिक्का जारी किया, एक क्लियर। दूसरा, समय की गणना को हम लोग को बताया गया, यूनानियों भारतीयों ने, ध्यान सुनिए, भारतीयों ने यूनानियों से कैलेंडर या संवत, कैलेंडर या संवत का प्रयोग, कैलेंडर का प्रयोग, उसे कहते हैं संवत को कैलेंडर कहते हैं, और सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन का नाम सीखे। दूसरा बना, इंडो ग्रीक शासक से भारतीयों ने ज्योतिष विज्ञान की भी जानकारी लिया, कि ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान की भी जानकारी लिया, समय की गणना की जानकारी लिया, समय की गणना में सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन बंटवारा किया गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, भारत में जो नाटक का विकास होता है, नाटक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अभिज्ञान शकुंतलम क्या था, नाटक था, अभिज्ञान शकुंतलम के बाद मालविकाग्निमित्र क्या था, नाटक था, मालविकाग्निमित्र के बाद और क्या था, विक्रमोर्वशीय क्या था बाबू, नाटक था, विक्रम और उर्वशी के बीच में प्रेम प्रसंग की चर्चा। ये जो नाटक है, यह नाटक कहां से आया, यूनानी आक्रमणकारी से बोध हुआ। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछेगा कि नाटक का विकास यूनानियों के प्रभाव से हुआ, भारतीय नाटक के लिए जो कहते ना पटा छेप हो गया, पर्दा गिर गया, पर्दा उठ गया, पर्दा सामने आकर सामने दिखा, तो यह जो पर्दा है, पर्दा यूनानी शब्द यवनिका, यूनानी शब्द यवनिका शब्द की का प्रयोग किया गया, किसके लिए, पर्दा के लिए। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पर्दा के लिए यवनिका, पर्दा के लिए यवनिका, यवनिका इंडो ग्रीक शासक, अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, इंडो ग्रीक शासक ने मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली, गंधार शैली का विकास किया, गंधार शैली को क्या कहते हैं, मिश्रित शैली, गंधार शैली को क्या कहते हैं, मिश्रित शैली, और इस शैली में निर्मित पहला मूर्ति महात्मा बुद्ध का, इस शैली में निर्मित पहला मूर्ति महात्मा बुद्ध का। क्वेश्चन पूछेगा, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में, गंधार शैली में, गंधार शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में, गंधार शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति गंधार शैली में, गंधार शैली का विकास किसकी प्रेरणा से, किसका प्रतिफल है, किसका योगदान है, तो इंडो ग्रीक शासक का योगदान। इतना भेजा में आया, इतना आया तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा, इतना हो गया तो इतना, आप देखते हैं 2-3 और क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन पूछेगा, कनिष्क के काल में हुआ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इंडो ग्रीक शासक को, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा, जल्दी से देखो बाबू, एक बार रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, भारत में मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, इंडो ग्रीक शासक, हिंद यवन शासक, हिंद यूनानी शासक या हिंद यवन शासक, शासक का नाम क्या था, डेमेट्रियस। जानकारी मिलता है, याद करेंगे, 183 ईस्वी पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जीतकर अपना राजधानी बना दिया, साकल, अपना राजधानी किसे बनाया, साकल, उत्तर पश्चिम भारत से फिर और भीतर घुसने का प्रयास किया, पुष्मित सिंह ने कहा खामोश, पुष्मित सिंह के हाथों पराजित हो गया। डेमेट्रियस क्या भाई, योगदान क्या रहा, तो डेमेट्रियस के द्वारा भारत ने पहली बार चित्र युक्त एवं लेख युक्त सिक्का जारी किया गया, इसने जो लेख लिखा
खरोष्ठी लिपि में वह सिक्का सोना का सिक्का था। तो पहला स्वर्ण सिक्का इंडो ग्रीक शासक पहला स्वर्ण सिक्का डेमेट्रियस के द्वारा सिक्का का नाम था ड्रम। डेमेट्रियस के बाद भारत पर आक्रमण किया मिनांडर, वो भी पुष्मित सुंग के हाथों पराजित हो गया। मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ प्रश्नोत्तर शैली में पाली भाषा में मिलिंद पन्हो नामक किताब में चर्चा है, जिसमें जानकारी दिया गया है कि बौद्ध भिक्षुक नागसेन की प्रेरणा से मिनांडर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस तरह से पहला विदेशी जो बौद्ध धर्म को अपनाया मिलिंद या मिनांडर था। पहला विदेशी जिन्होंने भागवत धर्म को अपनाया यवन राजदूत हेलियोडोरस था, जो भागभद्र के दरबार शुंग वंश के नौवें शासक भागभद्र के दरबार में आया था। उसकी जानकारी मध्य प्रदेश की विदिशा के गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलता है। हो गया। अब देखो इंडो ग्रीक शासक से लाभ क्या क्या हुआ बाबू, तो ध्यान से सुनिएगा। इंडो ग्रीक, चलिए बहुत अच्छी बात है, इजराइल की मुद्रा शाकल है, बहुत अच्छी बात है। आप देखो विकास कुमार बुक्की ने कहा कि महात्मा बुद्ध का पहला मूर्ति मथुरा शैली में है, मथुरा शैली को भारतीय शैली कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मथुरा शैली का विकास हुआ कनिष्क के काल में। क्वेश्चन पूछेगा मथुरा शैली में निर्मित पहला मूर्ति, ध्यान से सुनिएगा विक्की, मथुरा शैली में निर्मित पहला मूर्ति महात्मा बुद्ध की थी। मथुरा शैली में निर्मित पहला मूर्ति महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की पहला मूर्ति गंधार शैली में। महात्मा बुद्ध की पहला मूर्ति गंधार शैली में। मथुरा शैली में निर्मित पहला मूर्ति महात्मा बुद्ध का। भेजे माया, आगे होगा, हम लोग चर्चा किए थे कनिष्क के काल में करेंगे, आगे चर्चा होगा। फिर से सुनिएगा, महात्मा बुद्ध का पहला मूर्ति गंधार शैली में और मथुरा शैली में निर्मित पहला मूर्ति महात्मा बुद्ध का। हो गया। अब देखो बाबुआ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछेगा इंडो ग्रीक शासक का योगदान क्या कर रहा। तो इंडो ग्रीक शासक का योगदान भारतीयों को ज्योतिष कला विज्ञान की जानकारी इंडो ग्रीक शासक, खगोल विज्ञान की जानकारी इंडो ग्रीक शासक, समय की गणना इंडो ग्रीक शासक, समय की गणना इंडो ग्रीक शासक। फिर क्वेश्चन पूछेगा नाटक का प्रभाव कहां से है, इंडो ग्रीक शासक। पर्दा को यवनिका कहा गया, पर्दा को यवनिका कहा गया। इंडो ग्रीक के पास आया शक या सीथियन, शक को क्या कहेंगे सीथियन, शक या सीथियन। देखो बउआ ध्यान से सुनिएगा, सबसे महात्मा बुद्ध का सबसे लंबा मूर्ति अपना बिहार के सुल्तानगंज से तांबा की मूर्ति है, हालांकि सबसे बड़ा मूर्ति बामियान अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान के बामियान में। महात्मा बुद्ध का सबसे लंबा तांबे का मूर्ति कहां सुल्तानगंज, खड़ा मूर्ति है। और डायरेक्ट क्वेश्चन का महात्मा बुद्ध का सबसे लंबा मूर्ति अफगानिस्तान का बामियान से, अफगानिस्तान का बामियान से। हो गया। अब देखो बाबू शक या सीथियन, तो आई के बाद एस, आई के बाद एस। देख भैया क्वेश्चन पूछता है आठ आठ शैली है। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक या सीथियन था, जो मध्य एशिया के यूची कबीला से, यूची कबीला से कुषाण भी था। इसी यूची कबीला का संबंध किससे है, कुषाण वंश से भी है। तो मध्य एशिया के यूची कबीला से संबंधित था, मध्य एशिया के यूची कबीला से संबंधित था। अब देखो बाबू क्वेश्चन पूछेगा शक या सीथियन भारत किस दर्रा को पार करके आया, तो बोलन दर्रा को पार करके आया। शक या सीथियन भारत किस दर्रा को पार करके आया, तो बोलन दर्रा को पार करके आया। शकों की शासन व्यवस्था को क्षत्रप कहा गया, राजा नहीं कहेंगे, शक ने अपने आप को राजा नहीं कहा, शक क्षत्रप हम लोग कहते, शक शासक या शक क्षत्रप रुद्र दामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे जानकारी मिलता है कि मौर्य शासक सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसे उन्होंने भी पुनर्निर्माण करवाया और गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया। हो गया बाबू। हाँ इंडो ग्रीक कहां से आया था, तो मध्य एशिया के बैक्ट्रिया प्रांत से आया था, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया प्रांत से आया था। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, अभी भी वो लोग कंफ्यूजन है, देखो
क्वेश्चन पूछेगा कि इंडो ग्रीक शासक बैक्ट्रिया, यहां पर देखो इंडो ग्रीक शासक यूनानी आक्रमणकारी, यूनानी मतलब ग्रीक, तो यह कहां का था? बैक्ट्रिया का था। यहां पर लिखा पर्थिया बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया से होते हुए भारत की ओर आया और बैक्ट्रिया से होते हुए पहले तक्षशिला को जीत लिया, तक्षशिला को जीतकर उसकी राजधानी किसको बनाया? शाकल को बनाया और आगे भीतर घुसने का प्रयास किया। तो यहां पर पुष्मितसुंग का शासन चल रहा था, पुष्मितसुंग ने ही राजधानी, पहली राजधानी पाटलिपुत्र को और दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया था। तो पुष्मित सिंह को आते डेमेट्रियस पराजित हुआ, पुष्मित सिंह के आते मीनांडर पराजित हुआ था। हो गया, अब देखो बाबू ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछेगा शक या सीथियन को शासक न कह के क्या कहते? क्षत्रप कहा गया। शक या सीथियन शासक न कहलाकर क्षत्रप शासन व्यवस्था थी। भारत में क्षत्रिय क्षत्रपीय शासन व्यवस्था के अनुरूप ही शासन किया, मतलब उन्होंने भी जो भारत में शासन किया वो छत्र प्रणाली के आधार पर ही शासन किया। अब देखो क्वेश्चन पूछता है शक ने भारत में दो दिशा से आक्रमण किया, पहला उत्तर दिशा से और दूसरा पश्चिम दिशा से। उत्तर दिशा से दो केंद्र बनाया तक्षशिला और मथुरा और पश्चिम दिशा से दो केंद्र बनाया नासिक और उज्जैन। ध्यान से सुनिएगा, अतः चार स्थान पर शकों ने अपना शासन का केंद्र बनाया। उत्तर दिशा से आया वो तक्षशिला और मथुरा को बनाया, पश्चिम दिशा से जो आया वो नासिक और उज्जैन को बनाया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तक्षशिला के शक क्षत्रप की स्थापना किसने किया? ध्यान सुनिएगा, तक्षशिला के शक क्षत्रप की स्थापना किसने किया? बस केवल संस्थापक याद रखेंगे, तक्षशिला के शक क्षत्रप की स्थापना मौस के द्वारा किया गया। मथुरा के शक क्षत्रप की स्थापना, मथुरा में रा है रा से राजुल, मथुरा में रा है रा से राजुल। उसके बाद नासिक में क है भूमक में क है, उज्जैन में यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो उज्जैन में यशोमती या चेष्टक, यह चारों क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछता है शक छत्रप की चार शाखा, चारों के संस्थापक अलग अलग, तक्षशिला के शक क्षत्रप मौस मथुरा में रह है, मथुरा में रह है रा है रा से राजुल, मथुरा में रा है रा से राजुल, नासिक में क है आ भूमक में भी क है, भूमक में भी क है, और चौथा कौन बचा? उज्जैन। उज्जैन में कौन बाबू? यशोमती को ही कहते हैं चेष्टक। यशोमती को क्या कहते हैं? चेष्टक। चारों याद हुआ? बहुत सुंदर चीज है, एक क्वेश्चन मिलाने के लिए दे देगा, याद करेंगे बाबू। देखो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, तक्षशिला के शक क्षत्रप की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो मौस के द्वारा किया गया। तक्षशिला के शक क्षत्रप मौस के द्वारा किया गया। मथुरा में रा से राजुल, नासिक में क, भूमक में भी क, उज्जैन का यशोमती या चेष्टक, उज्जैन का यशोमती या चेष्टक। ध्यान सुनिएगा, उज्जैन का यशोमती या चेष्टक, चारों याद हुआ? चारों याद हुआ बाबू? देखो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पूछेगा तक्षशिला मौस मथुरा राजुल नासिक भूमक उज्जैन यशोमती। आगे बढ़ते हैं, मथुरा के शक क्षत्रप कल हमने बताया था, मथुरा के शक क्षत्रप राजुल को पराजित करने के अवसर पर
शासक था मालवा का शासक था विक्रमादित्य, पश्चिम का शासक मालवा, विक्रमादित्य शिक्ष ने विक्रम संवत की स्थापना किया था कब बाबू, 57 ईस्वी पूर्व में। अब हमने कल भी बताया था हमारे मूल संविधान में इसी विक्रम संवत की चर्चा है, हमारे मूल संविधान में इसी विक्रम संवत की चर्चा है। विक्रम संवत के स्थान पर शक संवत को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 ईस्वी में किया था। अब देखो बाबू यहां पर लिखा नोट करके, हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा है किंतु वर्तमान भारत में जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है, वह किस संवत पर, शक संवत पर। फिर क्वेश्चन पूछेगा विक्रम संवत के स्थान पर शक संवत को बनाया गया 22 मार्च 1957 को। फिर क्वेश्चन पूछेगा शक संवत की शुरुआत 58 एडी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर किया था। फिर क्वेश्चन पूछेगा दोनों के बीच में अंतर कितना, 135 वर्ष का। दोनों के बीच में अंतर कितना, 135 वर्ष का। फिर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा शक संवत का पहला महीना चैत होता है, ध्यान सुनिएगा, शक संवत का प्रथम माह चैत, अंतिम माह फागुन, शक संवत का प्रथम दिन कब बाबू, 22 मार्च। लेकिन यदि लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा, अधिवर्ष में 21 मार्च, अधिवर्ष में लीप ईयर में हो गया। एक बार फिर से, चलो बाबू एक बार फिर से, 78 लिखा हुआ बिल्कुल सही है, 78 ईस्वी या 78, शक संवत 78, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व, दोनों के बीच में अंतर 135 वर्ष, शक संवत का पहला महीना चैत, अंतिम महीना फगुआ, पहला दिन 22 मार्च, अधिवर्ष के दिन 21 मार्च। इतना क्लियर हो गया। अब देखो नासिक में क है, भूमक में क, तो नासिक के शक शासक नहपान को पराजित किया था, नहपान को पराजित किया था सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा हो गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा नहपान को पराजित किया, इसका प्रमाण कहां से मिलता है भैया, महाराष्ट्र में जोगल थंभी नामक स्थान, देख भैया महाराष्ट्र में हो लोनार झील बुलढाणा जिले में, महाराष्ट्र का बुलढाणा जिले में लोनार झील, जो कैसा झील है, क्रेटर के द्वारा निर्मित झील है, और महाराष्ट्र के जोगल थंभी नामक स्थान से सिक्का का एक बहुत बड़ा खेप ढेर मिला है। उस सिक्का पर एक तरफ नहपान की आकृति है, एक तरफ जीपीएस, जीपीएस मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की आकृति है। अब देख बउआ गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जोगल थंभी नामक स्थान पर जो सिक्का का ढेर मिला है उससे प्रमाणित हो रहा है कि नासिक के शक क्षत्रप नहपान को पराजित किया था, हो गया। अब देखो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, इस अवसर पर चांदी का एगो सिक्का जिसे रूपयक कहा गया, चांदी का सिक्का जिसे क्या कहते हैं, रूपक, या इसे ही रूपयक कहा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कैसे धारण किया, तो शकों को पराजित करने के अवसर पर पहली बार चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने, नाम क्या था, रूपयक, उज्जैन का, ध्यान सुने, उज्जैन का सर्वाधिक शक छात्रक हुआ रुद्रदामन प्रथम, जिसका जानकारी
जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक अभिलेख, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी मिलता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था और इसके पुनर्निर्माण की जानकारी का इसके पुनर्निर्माण का जिम्मेवारी दिया था रुद्रदामन प्रथम ने सुविशाख को। तो तीन गो याद रखिएगा या दो गो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्पगुप्त वैश्य को दिया था जिम्मेवारी और रुद्रदामन प्रथम ने सुविशाख को जिम्मेवारी दिया था। रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया जिसकी जानकारी सुविशाख को दिया गया। हो गया, रुद्रदामन सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी का समकालीन था। सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का समकालीन था। हो गया, अब देखो बाबू क्वेश्चन पूछेगा तो उस पर यहां पर याद रखिएगा एक क्वेश्चन, मालवा के शासक ध्यान सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है मथुरा के राजुल को पराजित किया। मथुरा के यहां पर मालवा तो है ही नहीं, यहां पर कितना है भाई तो चार गो सक्षत्रप है, तक्षशिला उज्जैन मथुरा और नासिक। उत्तर से दो गो आया तक्षशिला और मथुरा, पश्चिम से दो गो आया कौन तो उज्जैन और नासिक। नासिक का भूमक, उज्जैन का यशोमती, तक्षशिला का मौस और मथुरा का राजुल। तो मालवा के शासक विक्रमादित्य सिक्स ने मथुरा के शक क्षत्रप को पराजित किया। इस अवसर पर उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना किया था। हो गया बाबू, अब देखो यहां तक तो हम लोग कर लिए, अब चलते हैं जरा सा तीसरा, पहलव या पार्थियन। दो मिनट में हो जाएगा। पहलव या पार्थियन मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश था पहलव, जिसे पार्थियन कहा गया, जो मूल रूप से ईरान का रहने वाला था। मूल रूप से कहां का? ईरान का रहने वाला था। अब यहां पर छोटा चीज है तो ध्यान से सुनिएगा, इतना ही बड़ा है, इसके बाद तो कुषाण वंश आ जाएगा। कुषाण वंश की चर्चा हम लोग कल करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा भारत में आने वाला विभिन्न पार्थियन शासक में वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस और सबसे महानतम शासक थे गोंदोफर्निस। इस गोंदोफर्निस के काल में भारत में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो क्वेश्चन पूछता है ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासन काल में भारत आया था? तो गोंदोफर्निस के काल में। इसकी जानकारी तख्त ए बही अभिलेख से मिलता है, जो गोंदोफर्निस का अभिलेख है। जो क्या है बाबू? गोंदोफर्निस का अभिलेख है, ध्यान सुनिए, गोंदोफर्निस का तख्त ए बही अभिलेख है, जो किस लिपि में बाबू? खरोष्टी लिपि में। किसमें है? खरोष्टी में यहां प्रयोग किया गया है और इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। तो तीन क्वेश्चन हो गया आज चर्चा किए, इंडो ग्रीक, पहलव या पार्थियन और शक या सीथियन। एक टॉपिक बचेगा, कल हम लोग कुषाण वंश की चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मिथ्रेडेटस और मिथ्रेडेटस के बाद गोंदोफर्निस, गोंदोफर्निस काफी महत्वपूर्ण था, तक्षशिला को राजधानी बनाया, तख्त ए बही अभिलेख था उनका और उनके काल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत की यात्रा की। एक बार रिवीजन आप कल हम लोग एक बार पहले तो 5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे तीनों का। कल का टॉपिक रहेगा इंडो ग्रीक, शक या सीथियन, पहलव के बाद जो अंतिम आया था कुषाण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अब मुझे प्राचीन भारत समझ में आता है। तो बस एक टॉपिक और बचा, इसके बाद गुप्त काल के बाद हम लोग दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाएंगे, या गुप्त काल के बाद पुष्पभूति वंश की चर्चा कर लेंगे हर्षवर्धन का, उसके बाद दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाएंगे। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट का टाइम हो चुका है। तिलकेश्वर नाथ मिश्रा बाबू, राकेश बाबू, मिथिलेश जी, गोलू जी, सब लोग ठीक हैं। फिर मिलते हैं हम लोग टेस्ट डिस्कशन 8 बजे से। धन्यवाद। जय माता दी बाबू लोग।